दूर रहने की सलाह दी है बच्चों को, संवाद किया है उनसे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से बिना स्ट्रेस लिए परीक्षा देने की बात कही है। कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से बातचीत भी की है और ऐसे में बच्चे भी काफी ध्यान से पीएम मोदी के टिप्स को सुनते हुए नजर आए। इस वक्त मैं इंदौर के केंद्रीय विद्यालय की कक्षा में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस कक्षा में बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े गौर से सुन रहे हैं। सामने स्क्रीन लगा है, सभी बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं और बच्चे प्रधानमंत्री को सुनने में इतने तल्लीन हैं कि आप देख सकते हैं कि सबकी निगाहें जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त लगी हुई है। बच्चों से इंटरेक्शन चल रहा है इस वक्त, कोशिश करूंगा कि बच्चों से बात कर लूं, बच्चे बता पाएंगे। बेटा, पीएम को आप सुन रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, जब पीएम बोलते हैं तो कैसा लगता है? बहुत इंस्पायरिंग होता है और मतलब बहुत नया जानने को मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। हाँ। बच्चे कहते हैं कि मोटिवेशन में मिलता है। उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री से सीधे तौर के ऊपर इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों को तल्लीनता से हम सुनने देते हैं। मैडम यहाँ मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मैम, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बच्चे सुन रहे हैं और एक एक चीज की तालियां बजा रहे हैं, जैसे ही वो कुछ उनके मन की बात बोलते हैं बहुत खुश होकर तालियां, ऐसा लगता है वहाँ नहीं यहाँ बज रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा लगता बिल्कुल यही प्रवेश कर गए हों यहाँ, ऐसा लगता। कितना इंस्पिरेशनल होने वाला है इन बच्चों के लिए सेशन? सर मैं तो सोचती हूँ कि बहुत खुश है बच्चे और एक जो इनके मन में जो इतने दिन से टेंशन नजर आ रहा था कि हम कैसे एग्जाम देंगे क्या करेंगे, वो सारा टेंशन इनका बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी कि जो हम लोगों के भी मन को लग जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चा जो है टेंशन फ्री रहे, उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो सके। जरूर बात करता हूँ। तो अभी आपने छोटे बच्चों को सुना कि ये छोटे बच्चे भी बैठकर प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये बात निश्चित हो जाती है कि भारत का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा यदि प्रधानमंत्री की बात बच्चे सुनते हैं और उसे एक मोटिवेशन के रूप में लेते हैं। वीरेन के साथ मैं अभिषेक, इंडिया न्यूज़, इंदौर। चलिए तो आपको सीधा लिए चलते दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से लगातार संवाद कर रहे हैं। ने संसाधनों का मिसयूज किया है, हमारे पास परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसको हमने बर्बाद कर दिया है। अब हमारा दायित्व है, अगर आज मैं पानी पी रहा हूं या मेरा भाग्य में पानी है, आज अगर मैं कहीं नदी देख पा रहा हूं, आज अगर मैं किसी पेड़ की छाया में खड़ा हूं, तो उसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। जिस चीज को आज मैं उपभोग कर रहा हूं वो मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए दिया है, क्या मेरे बाद की पीढ़ी को मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर मैं बचाऊंगा नहीं तो दूंगा क्या? और इसलिए जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया उनका ऋण स्वीकार करने के लिए और हमारी आगे की पीढ़ी को देने के लिए जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हमने अपना दायित्व निभाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब ये कोई सरकारी कार्यक्रम से सफल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भी सिंगल यूज प्लास्टिक इससे बचना चाहिए, लेकिन हमारे ही परिवार में भाषण भी हम करते हो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, लेकिन शादी का कार्ड अगर हम किसी ना का आता है घर में देखते हैं तो उस पर एक प्लास्टिक का बहुत सुंदर रैपर करके आता है, हम निकाल करके फेंक देते हैं। अब ये हम जो सोचते हैं उसके विपरीत है, तो सहज स्वभाव कैसे बने? कम से कम मेरे परिवार में मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल हमारे घर में उपयोग नहीं करने दूंगा, तो हम एनवायरमेंट के लिए कुछ कुछ मदद कर रहे हैं। और अगर देश के सभी बच्चे इस काम को करने लग जाएं, तो फिर
आज जो हमारे आपने देखा होगा, मैं गुजरात में पशु आरोग्य मेले लगा रहा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और पशु आरोग्य मेले लगाता तो आपको हैरानी होगी, मैं गुजरात के अंदर पशुओं की दांत की ट्रीटमेंट, डेंचर ट्रीटमेंट करवाता था, पशुओं को मोतीबिंदु होता है मोतीबिंदु का काम करता था, और कुछ पशुओं के ऑपरेशन करने पड़ते थे। तो मैं एक बार एक गाय देखा, उसके पेट में से कम 40 केजी प्लास्टिक निकला था। अब ये मानवता के विरुद्ध का काम है। अगर ये हमारे अंदर संवेदना पैदा होती है कि मैं, मुझे तो अच्छा लगता है, चलो भाई हल्की फूल की थैली है लेकर के जाना अच्छा लगता है और फिर फेंक देता हूं। हमें अब यूज एंड थ्रो उस कल्चर से बचना पड़ेगा, और हमें रीयूज, रीसाइकल, और ये भारत में कोई नया पर नहीं है, ये हमारे यहां तो सदियों से परिवार में आदत रही हुई है। हम जितना ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे हम पर्यावरण को बर्बाद करेंगे, हम जितने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम पर्यावरण की रक्षा। अब आज देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये भी पर्यावरण के लिए एक संकट बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी स्क्रैप पॉलिसी निकाली हुई, ताकि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो प्रदूषण पैदा करती है उनको खत्म करो, उसमें से भी कुछ कमाई करो और नई गाड़ी लाओ। उस दिशा में एक बहुत बड़ी मात्रा में काम चलने वाला है। उसी प्रकार से हम जानते हैं पानी का क्या महत्व है, पौधे का क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है, हम उसके प्रति सेंसिटिव है क्या, और ये सहज स्वभाव बनाना चाहिए। अगर ये स्वभाव बनना है, आपने देखा होगा COP 26 में मैंने एक विषय रखा था, यूके में कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया की, और मैंने कहा था उसमें कि लाइफस्टाइल इज ए प्रॉब्लम, हमारी जो लाइफस्टाइल है, और इसलिए कहा गया एक मिशन लाइफ की आवश्यकता है, और मैंने मिशन लाइफ के लिए वहां शब्द तय किया था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ LIFE। मैं समझता हूं कि हम भी अपने जीवन में, बहुत छोटी आयु है, 4 मंजिला मकान है और हम भी लिफ्ट में जाते हैं, अरे हम कोशिश करें हम चढ़ जाएंगे, क्या है, तो हमारा हेल्थ भी कभी फायदा होगा, हम एनवायरमेंट को मदद करेंगे, छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन में लाएंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि हमें दुनिया में P3 मूवमेंट चलाने की जरूरत है, प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल, ये P3 मूवमेंट, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और कॉन्शियस रहकर के इसको प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम चीजों को लाभ करेंगे। दूसरा, हम आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 साल, आज की जो पीढ़ी है वो अपने जीवन की सबसे सफल पलों से गुजरती होगी तब देश शताब्दी मनाता होगा, मतलब ये 25 साल आपकी जिंदगी का है, आपके लिए है, आपका योगदान इस 25 साल में क्या हो ताकि हमारा देश उस जगह पे पहुंचे, हम गर्व के साथ देश की शताब्दी आन बान शान के साथ दुनिया के सामने एक चेहरा ऊंचा रख करके मना सके, हमने अपने जीवन को उससे जोड़ना सके। और उसका एक सिंपल सा मार्ग है कर्तव्य पर बल देना। अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं, फिर कभी उसको अधिकार के लिए मांग करने के लिए निकलना ही नहीं पड़ेगा। आज समस्या यह है कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ता है। हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े, ये हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का उपाय भी हमारा कर्तव्यों का पालन है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमारे लिए जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करते हैं। अब देखिए हमारे देश ने, पूरे दुनिया के लोग हमारे यहां तो इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोगों को डर लगता है कहीं मोदी के खाते में हो जाएगा, मोदी का जय जयकार हो जाएगा,
इसलिए जरा संकोच करते हैं इसका जय जयकार करने में। लेकिन जो हमारे यहां वैक्सीनेशन हुआ है उसमें भी जब मैंने स्कूली बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया और जिस तेजी से हमारे देश में बच्चों ने दौड़ दौड़ करके वैक्सीन ले लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आप सबका वैक्सीनेशन हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। सबका वैक्सीनेशन हो गया है? अगर दुनिया के किसी देश में ऐसे सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है, हिंदुस्तान के बच्चों ने भी ये करके दिखाया है, तो एक मतलब कि हमने अपना कर्तव्य का पालन किया है।